पर युवा अचानक बेरोजगार हो गए हैं और वो बेरोजगार जो है अपनी मांग को मनवाने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले एक महीने से लगातार इनका धरना जारी है। शहीद स्मारक जयपुर के कमिश्नर स्थित जहाँ पे शहीद स्मारक है वहाँ पे तमाम जो प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हुए अभ्यर्थी हैं वो बैठे हैं और इनके साथ ही महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पे धरने में शामिल हो रखी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार जो युवा हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर यहाँ पे धरने पे बैठे हुए जो अब शाम होने को आई। देखिए सबसे बड़ी मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे मुंडन संस्कार करवाया जा रहा है, मुंडन करवा कर विरोध दर्ज करवाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है बदनलाल शर्मा की डबल इंजन सरकार है वो मुंडन यहाँ पे करवाया जा रहा है। देखिए मुंडन करवाने के लिए जो युवा अभ्यर्थी हैं वो पहुँच चुके हैं और मुंडन यहाँ पे संस्कार के माध्यम से कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराने की बात कही जा रही है। विरोध दर्ज कराया जा रहा है, मुंडन संस्कार एक हिंदू रीति रिवाज में बहुत ही शुभ संस्कार माना जाता है, लेकिन ऐसे में अब ये विरोध के स्वरूप अपना मुंडन संस्कार करते हुए भजनलाल शर्मा को चेता रहे हैं कि भजनलाल शर्मा अब तो जागो, हमारी आस और केवल आप पे है। ऐसे में अब तमाम जो नेता हैं पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनका समर्थन मिल रहा है। हाल फिलहाल आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि मुंडन संस्कार यहाँ पे किया जा रहा है। युवा अभ्यर्थी हैं, अपना आक्रोश व्यक्त करने का एक नया अनोखा तरीका इन्होंने इजहार किया है और इस अनोखे तरीके के माध्यम से कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा की सरकार जो है उसको संदेश देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि कहीं ना कहीं मुंडन संस्कार के माध्यम से कि अब जब हमने मुंडवा लिया है तो अब तो जागो सरकार। देखिए तस्वीरें आपको सही समय से हम दिखा रहे हैं, लाइव हम द नगरी मीडिया आपको लगातार दिखा रहा है कि मुंडन संस्कार है, हाथों में बाकायदा तख्तियाँ ले रखी है इन्होंने, राजीव गांधी युवा मित्रों को बहाल करो और देखिए युवा है अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से लगातार धरने पे बैठे हैं। कड़ाके की ठंड है, मजबूरी है, क्योंकि युवाओं के दिलों पे जो कुठाराघात हुआ है वो कहीं ना कहीं अब इनका आक्रोश जो है, शुरुआत में जब ये पहुंचे थे यहाँ पे इनके साथ 7 दिन का समय मांगा गया था, उसके बावजूद सरकार जो है इनके साथ विश्वासघात किया है। अब तमाम जो हथकंडे हैं वो अपना रहे हैं यहाँ पे, सिर मुंडवाकर देखिए तस्वीरें आपको सीधी लाइव दिखाई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब इनका जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है और कहीं ना कहीं ये मुंडन हो रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि रामराज की सरकार कही जाने वाली भजनलाल की सरकार जो है शुरुआत में जब विपक्ष में बैठी थी तब युवाओं को मुद्दों को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर और महिलाओं को लेकर इन्होंने मुद्दा बनाया था, उसके बाद बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई है। हाल फिलहाल वही जो मुद्दे हैं वो उल्टे पड़ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि युवाओं की बात की थी, युवा बेरोजगार हो चुका है, 5,000 युवा धरने पर बैठा है। महिलाओं की बात की थी, महिलाएं भी धरने पर लगातार शामिल हो रही हैं। ये इन्होंने युवा मित्र अभ्यर्थी हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि चुनाव आने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव, उन्होंने आईना दिखाने की बात पहले भी कही है और मैं बार बार लगातार हमारे चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि चेतावनी दे दी है। अब हाल फिलहाल मुंडन करवाया गया, एक अभ्यर्थी और है जिन्होंने मुंडन करवाया, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार मीणा। राजीव देखिए आपने सिर मुंडन करवाया, क्या कॉन्सेप्ट या क्या उद्देश्य है आपका इस मुंडन के पीछे? हमारी जो मांगे उनको पूरा करो, भजनलाल सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि हमारे जो राजीव गांधी युवा मित्र जो उनको बहाल किया जाए। हाल फिलहाल आपने मुंडन करवा लिया, धरने पे बैठ गए कल या 2-4 दिन पहले, पूर्व में आपने अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया था, बावजूद इसके आज मुंडन कार्यक्रम किया है आपने, तो क्या लगता है कि अब कहीं सरकार चेतेगी, क्योंकि लगातार नेताओं भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं? सरकार को मानना चाहिए कि हम लोगों ने मुंडन करवाया है, हमारी मांगों को पूरा कर रहे हैं, यही सरकार से बोलना चाहते हैं हम तो बस। ये अभ्यर्थी हैं राजीव, इन्होंने साफ कर दिया है कि अब सरकार जो है उसको माने, इनकी मांग जो है वो केवल इतनी सी है कि इनकी बहाली की मांग को समर्थन दे दिया जाए सरकार द्वारा और समर्थन देते हुए तुरंत आदेश दे दिए जाए कि वापस लगे आएंगे। ये मुंडन कार्यक्रम यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, मुंडन चल रहा है, 3 अभ्यर्थियों ने मुंडन करवा लिया, चौथे यहाँ पे बैठे हैं और भी फिर लगातार यहाँ पे कतार में खड़े हैं मुंडन करवाने के लिए।
हम बात करते हैं कि मुंडन जो करवाने अभ्यर्थी आए हैं उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम बता दीजिए, आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम रिंकू सैनी। रिंकू, रिंकू आप मुंडन करवाने यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या विशेष उद्देश्य रहने वाला है आपका? हमारा यही उद्देश्य रहने वाला है कि हम मुंडन जब करवाते हैं, जब हमारे सिर से अगर पिता का साया उठ जाता है, और आज हम इसलिए मुंडन करवा रहे हैं क्योंकि हमारा जो राजस्थान सरकार जो मुखिया है उसने हमारा रोजगार छीन लिया, हम उनके प्रति ये मुंडन संस्कार करवा के उनसे यही मांग रखेंगे कि अब हमारा साया उठ चुका है, अब जो भी करना है जो उनको करना है। पीछे आपने आपके जस्ट पीछे देख सकते हैं कि एक रामराज की राम श्री राम भगवान की एक मूर्ति यहाँ पे प्रतीक के रूप में यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है। क्या संदेश है कि आप इधर मुंडन करवा रहे हैं, उधर रामराज की सरकार बीजेपी कही जाती है और संवेदनशील सरकार भी है, हाल फिलहाल पूजा भी बकायदा यहाँ पे होती है, महाआरती शाम को आप करते हैं और तमाम जो हथगंडे हैं आपने अपना लिए, बावजूद इसके सरकार के कानून तक जूनी रहेंगी ना, कोई नुमाइंदा सरकार की तरफ से आपके ऊपर पहल करने आया है? मैं तो बस यही कहूँगा कि अब सरकार को सुननी चाहिए क्योंकि अब हम इतने दिन से कड़ाके की सर्दी में बैठे हैं, मुंडन संस्कार करवा रहे हैं, हमने अर्ध नगन का भी कार्यक्रम रखा था, तो हम तो सरकार से यही उम्मीद है कि अब हमारी मांग सुने। बस देखिए मांग बार बार की जा रही है सरकार से, हर तरीके से इन्होंने अपने मांग को दोहराया है, पहुंचाने की कोशिश की है, बात चाहे अर्धनगन प्रदर्शन की हो, बात चाहे धरने की हो, बात चाहे मुंडन करवाने की हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये मांग जो है वो अड़िग है और ये तमाम जो बैठी हैं इस कड़ाके की ठंड में भी अपना हक मांगने के लिए यहाँ बैठे हैं,